अस्सलाम वालेकुम नाजीन, वेलकम टू एजी कुकिंग शो। नाजीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से रोल। तो जिसके लिए हमें ये जो चीज़ें चाहिए, मैं आपको बता दूं, हम पहले रोल की फिलिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैंने लिए हैं। 100 ग्राम मैंने चिकन लिया है और उसी हिसाब से मैंने ये अनियन और कैबेज लिया। तो नाजीन, मैंने ये बंद गोभी, चिकन और प्याज को मिक्स कर लिया। नाजीन, जो मैंने चिकन लिया था उसको मैंने नमक, मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला लगा के मैंने इसे बॉईल कर लिया था, रेशों की सूरत में कर लिया था। मैंने तीनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें जो मैं चीज़ डालूंगी वो मैं ले रही हूँ थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ा सा नमक यानी हाफ टेबल स्पून के करीब है, हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और हाफ टी स्पून के करीब मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। एक टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। और एक टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला। आज ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको फ्लेवर मतलब स्पाइसी करना है तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें और अच्छा फ्लेवर लेना चाहते हो तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, सैलड भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन कौन सी चीज़ डालना चाहते हैं। फ़िलहाल मैंने तीन चीज़ें ली हैं। नाजी, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। हम इसको एक साइड पर करते हैं और अब इसके लिए हम डो तैयार करेंगे। नाजी, डो तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, जिन्हें मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें डाल दी मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नाजी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करेंगे। देखिए बहुत थिक है, हमें इतना थिक नहीं चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की डो बनने वाली है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च भी शामिल करेंगे। टीस्पून के करीब मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिए, हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक लिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी शामिल करते हैं। नाजिन, हमें इसको स्मूथ सी लई की तरह बनाना है। थोड़ा सा मोर पानी डालेंगे। नाजीन, हमारी ऐसी इतना थिक होना चाहिए हमारी डो। हमारी डो ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि हमने इसकी पट्टी कैसे तैयार करनी है। हमने नॉनस्टिक पैन लिए, इसको हमने ज़रा थोड़ा सा अच्छा वाला गरम कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी। हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच हम तेज रखेंगे, हमारी एक साइड रेडी होगी। हमने एक ही साइड से पकाना है। मैंने इसको इस तरह करके अच्छे से उतार लिए। अभी हम इसको उतार के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम अपनी सारी रोल पट्टी जो है वो रेडी कर लेंगे। नाजीन, ये मैं नॉनस्टिक पैन में बना रही हूँ, आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाएंगी इंशाल्लाह। देखें, हमने अपनी
पट्टी तैयार कर लिया। देखें इस साइड से हमने इसे नीचे से पकाया था, ऊपर से हमने नहीं पकाया था, तो हम इसको यूं करेंगे, इसको हम ऊपर वाली साइड पर ले आएंगे। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम कोटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने की इसमें कोटिंग। ये मैंने मैदे की लोई तैयार की है, अब इसको हम फिंगर से ये सारा इन साइडों पर लगा देंगे। ज़रा यहाँ से हमने पकड़ा, हमने यूँ हाथों से इसको आगे से पुश करना है ताकि वो कोटिंग हमारी अंदर रहे, और हम इसको साइडों से थोड़ा सा यूँ रोल करेंगे। जब हम इस साइड पे आएंगे, इधर भी और इधर भी हम लगा लेंगे, इधर से हम इसको अंदर और इससे इस साइड से भी हम इसको अंदर कर लेंगे, और आसानी से हम इसको यूँ रोल करेंगे। हमने इसको रोल कर लिया, एक एक करके हमने सारे ही इसी तरह अपने रोल बना लेने। ये सारे हमारे रोल तैयार हो गए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इनके लिए एक अदद अंडा और लिया, ये हम अपना रोल उठाएंगे और उसके अंदर रखेंगे यूं करके। ठीक है, अब इसको हर तरफ से हम कोटिंग करेंगे। इस कोटिंग के बाद फिर हमने इसको लगाना है क्रम्स, तो ये हम क्रम्स में इसको शामिल करेंगे। मैं एक एक करके सबको क्रम्स लगाती रहूँगी। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तमाम रोल को क्रम्स लगा लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। रहमान रहीम, नाज़रीन वो मैं जो रोल बनाए हैं उनको मैंने क्रम्स लगाए, बगैर क्रम्स के बनाए हैं, और हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इन्हें बिल्कुल हल्की से, ये देखें पैन में मैंने बिल्कुल हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया है, और ये नॉन स्टिक पैन है, इसके अंदर मैं इसको ऐसे ही रखती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन हम इनको दोनों तरफ से लाइट सा गोल्डन करेंगे। नाज़रीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी साइड चेंज की, थोड़ा सा बीच में से ज़्यादा सेंटर में होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन यह मैं इनको घुमाती रहूँगी ताकि ये हर तरफ से एक जैसे हो जाए। आपको पता है इसकी पट्टी बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है, सॉफ्ट, और अंदर से भी हर चीज़ हमारी वो स्टीम में कुक्ड हो जाएगी, तो इसलिए मैं कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यूँ घुमा घुमा के बनाएंगे। नाज़रीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये हर तरफ से कुक हो गए हैं। मैंने इन्हें स्टीम में बिल्कुल हल्का सा विदाउट एनी ऑयल, मतलब ये मैंने बिल्कुल एक दो ड्रॉप डाल के मैंने इनको इस तरह किया है, हर तरफ से यूँ उठा उठा के, भी तो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हम इन्हें डिश आउट करेंगे। नाज़रीन ये हमारे क्रम्स वाले रोल हैं, हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये क्रम्स वाले भी डीप फ्राई हमने इनको किया है, ये भी बिल्कुल रेडी हो गया, अब हम इनको डिश आउट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन देखें, मैंने दोनों तरह के रोल बना के रखनी है। ये मैंने विदाउट एनी ऑयल मैंने बनाया है, इन्हें नॉन पैन में मैंने नॉन स्टिक पैन में बनाया है। ज़बरदस्त हैं, जो लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ पसंद नहीं करते ये उनके लिए है। और ये मैंने डीप फ्राई किया, अब इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन आप चेक कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म के हमारे ये रोल बन गए हैं। आज की ज़बरदस्त हमारी डिश, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, तो नाज़रीन इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दें ताकि मैं मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू।